हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 13 है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं, या तो वेरिएबल को चेंज करते हैं या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चेंज ऑफ वेरिएबल्स में हमने एग्जांपल्स कुछ पढ़े हुए हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस किस कंडीशन में किस तरह के मेथड्स यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको देखें तो अगर हमारे पास फंक्शन में इस तरह का फंक्शन हो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर इस तरह का फंक्शन हो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, देन इस केस में फ्रेंड्स हमारे पास हम ले लेते हैं बी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो उस कंडीशन में डी बी अपॉन डी एक्स बराबर आ जाता है ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाती है, ये हो जाएगी हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की तो वैल्यू निकालनी है हमें, ये हो जाएगी डी बी अपॉन डी एक्स माइनस ए और इधर 1 अपॉन बी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास इस तरह का फॉर्म हो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो उस कंडीशन में हम v बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एज्यूम कर लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड केस आता है हमारे पास, अगर कहीं हमारे पास x डी वाई माइनस y dx इस तरह की फॉर्म बन रही हो फ्रेंड्स, इस तरह की फॉर्म बन रही हो हमारे पास, तो उस कंडीशन में ये फैक्टर बन रहा हो, तो उस कंडीशन में हम करते हैं लेट y अपॉन x बराबर v, y अपॉन x बराबर v मान लेते हैं। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये मान के इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्योंकि और भी फैक्टर होंगे तो उनकी हेल्प से हमारे पास हो सकता है कोई सॉल्यूशन निकला है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, बट अगर हमारे पास एक ऐसी अगर टर्म आ जाए तो उस कंडीशन में हम ये यूज कर सकते हैं, ये करना हमारे लिए प्रेफरेबल रहेगा। पहले हमें ये यूज करके देखना है क्योंकि इस तरह के यूज करने से क्या पता सॉल्यूशन निकल जाए, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, मतलब इसको हमें ट्राई करना है। ऐसे सॉल्यूशन और भी तरह से निकल सकते हैं, हो सकता है ये सॉल्व ये पुट करके भी सॉल्यूशन ना निकले, ये जरूर नहीं है कि निकल ही जाए, बट मेनली केस में सॉल्यूशन इस तरह से निकल जाता है या फिर प्रॉब्लम इजी हो जाती है। और अगर हमारे पास कहीं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई वाले गुणनखंड मिल जाए, इसका मल्टीप्लायर मिल जाए, इस तरह का मल्टीप्लायर मिल जाए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो उस कंडीशन में हम v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। तो ये एज्यूम करने पे हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स बराबर टू एक्स प्लस, या डी वी बराबर हम देखें तो डी वी बराबर टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई, या डी वी अपॉन टू बराबर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये मिल जाता है। तो अगर इस तरह का अगर हमारे पास कोई गुणनखंड मिल जाए, मल्टीप्लायर मिल जाए, तो उस कंडीशन में हम ये सॉल्व कर ये पुट करके सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से भी हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, फोर्थ केस देखें, अगर हमारे पास इस तरह की मल्टीप्लायर मिल जाएगी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक तो ये मिल जाए, एक ये मल्टीप्लायर मिल जाए, और साथ ही हमारे पास मिल जाए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये मिल जाए हमारे पास, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई भी मल्टीप्लायर मिल रहा है और साथ में ही एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये मल्टीप्लायर मिल रहा है। तो उस कंडीशन में सॉल्व करने के लिए हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स बराबर आर कोस थीटा एंड वाई बराबर आर साइन थीटा, ये वैल्यूज पुट करके हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इस तरह से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
और फ्रेंड्स कभी कभी हमारे पास ऐसा भी होता है कि dy / dx की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही हो तो जो वेरिएबल है उनको चेंज कर देते हैं तो उससे सॉल्यूशन निकल जाता है। इस तरह के हमने एग्जांपल्स काफी पढ़े हुए थे। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमारे पास और इजी हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये है x प्लस वाई dy / dx इक्वल टू ए स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये है हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें लेट x प्लस वाई, ये टर्म है हमारे पास, लेट x प्लस वाई बराबर वी। तो अगर आप x प्लस वाई बराबर वी पुट करेंगे तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से dy / dx की जगह ये टर्म पूरी हट जाएगी और एक ओनली वेरिएबल v आ जाएगा, v और जो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x, और ये अलग अलग भी हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस dy / dx इक्वल टू dv / dx। तो यहां से हमारे पास dy / dx बराबर आ जाएगा 1 dy / dx बराबर dv / dx माइनस 1। तो यहां से इसको लिख सकते हैं हम x प्लस y की जगह तो v एंड इसकी जगह dy / dx की जगह dv / dx माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब v का अगर इधर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा v, तो ये हो गया हमारे पास dv / dx इक्वल टू, अब a को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर / v प्लस 1। अब फ्रेंड्स यहां से हम सो क्या कर सकते हैं, इस टर्म को एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पर ये टर्म हमारे पास बन जाएगी dv / dx बराबर ए स्क्वायर प्लस v / v। ये हो गया। अब जब ये टर्म हमारे पास आ चुकी है तो यहां से हम इसको इजीली dv / इस साइड इस टर्म को इधर ले आते हैं तो v / ए स्क्वायर प्लस v, ए स्क्वायर प्लस v और dv इक्वल टू dx, इस टर्म में ये चेंज हो गया। अब फिर इस टर्म में चेंज हो गया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको पार्टिसिपेट करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा, तो इसको v को हम, क्योंकि यहां पे दोनों पावर सेम है तो v को हम डिवाइड कर देते हैं, सॉरी v को डिवाइड कर देते हैं ए स्क्वायर / v से। तो इसको हम लिख सकते हैं v प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस v, ये हो गया dv इक्वल टू dx। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर / ए स्क्वायर प्लस v dv इक्वल टू dx, ये हो गया। तो यहां से इसको dv माइनस ए स्क्वायर / ए स्क्वायर प्लस v dv इक्वल टू dx, तो ये हो गया हमारे पास। अगर अब इंटीग्रेशन कर दे तो इंटीग्रेशन करने पे v माइनस ए स्क्वायर log ए स्क्वायर प्लस v इक्वल टू x, ये आ गया हमारे पास। तो फिर जब ये आ चुका है तो अब v की वैल्यू पुट कर दे, v बराबर क्या था x प्लस y, तो यहां से हो गया x प्लस y माइनस ए स्क्वायर log ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हो गया एक्स से एक्स कट गया, तो यहां से आ गया हमारे पास वाई माइनस ए स्क्वायर, या फिर हम ये कहें कि इस टर्म को वाई वाली टर्म को उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, या इस टर्म को उधर ले जा रहे हैं एक्स एक्स कट गया तो ये वाई माइनस सी, और ये हो गया ए स्क्वायर इस टर्म को उधर ले गए ए स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया। एंटी लॉग ले लें या ए स्क्वायर का फिर डिवाइड कर दे तो वाई / सी ए स्क्वायर हो जाएगा, एंटी लॉग ले लें तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर ई टू द पावर वाई माइनस सी / ए स्क्वायर। तो ये इसका एक सॉल्यूशन आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को एज्यूम करके इसको सॉल्व
कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। अब और भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम लें ऐसे ही एग्जांपल्स में, तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास ले रहे हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर इसमें हमारे पास दोनों तरह के मल्टीप्लायर मिल रहे हैं, देखें तो हमारे पास एक्स बराबर ये भी मिल रहा है, मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई भी मिल रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी मिल रहा है। तो इसको हम सिंपली पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे जैसे हमने बताया था। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए लेट एक्स बराबर आर कॉस थीटा एंड वाई बराबर आर साइन थीटा। तो यहां से अगर हम देखें तो डी एक्स फ्रेंड्स यहां से ये हो गया, अगर हम देखें इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास आता है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या यहां से इसको कहें आर स्क्वायर कॉमन ले लें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई इक्वल टू टू आर डी आर।